पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के किसानों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कुछ ऐसे ऐलान करेंगी जिससे उन्हें खेती करने में आसानी के साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। यहां के किसानों का कहना है, खेती में बढ़ती लागत की वजह से नई पीढ़ी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ফসলের ন্যায্য দাম পেছি না, সাহারের দাম চচ্চর করে বাড়ছে, তারপরে বিষের দাম বাড়ছে, বীজ কিনতে পারছি না, এদিকে ধানের দাম কম, সরষের দাম নাই। धान, जूट, गन्ना और सब्जियों की खेती के लिए मशहूर हुगली के किसान इस साल के बजट में ऐसे ऐलान की मांग कर रहे हैं जिससे उन्हें उनकी फसलों के लिए सही कीमत मिले। बजट बाकी जेटा न्याज्य फसलें दाम से फसलें दाम तो न्याज्य पावे ना, हार माटी जा दाम चाष करा तो मुश्किल, मुनि लेबारे जा खरच ताते चाष करा मुश्किल हो ना, न्याज्य फसलें दाम तो पावे ना, চাষি এতে মাঠে চাষ করে কিছু লাভজনক বলে তো কিছু পেছে না। চাষের একটু ফসলটা দামটা থাকলে ভালো হবে, তাছাড়া লাভ আসে না, অঙ্কতে আসে না, সারের দাম বেশি, সব জিনিসের দাম বেশি, চাষের খাটলে প্রফিট আসে না। কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আপনা লাগাতার সাতওয়া বাজেট ইসি মহিনে পেশ করেঙ্গি।